अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल स्पाइडर न्यूज़ में। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अलिफ ड्रामे की आखिरी किस्त का प्रोमो आ चुका है। जी हाँ, हम आखिरी किस्त में देखेंगे कि मोमिना मास्टर इब्राहिम के घर जाती है और उनसे पूछती है कि हुस्ना कैसी थी। मास्टर इब्राहिम मोमिना को सारी सच्चाई बताते हैं, वो सच्चाई जो कि अब्दुल्लाला ने मास्टर इब्राहिम को शादी से पहले बताई थी। मास्टर इब्राहिम को अब्दुल्लाला ने सारी सच्चाई नहीं बताई थी कि वो हुस्ने जहाँ है या वो उनकी बहू है, पर फिर भी मास्टर इब्राहिम को हुस्ना का किरदार सोने में तोले जाने के बराबर लगता है और उसकी नेकियाँ दुनिया भर के ख़जाने से ज़्यादा लगती हैं। मास्टर इब्राहिम ने शादी के बाद हुस्ना को बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा कि अब्दुल्लाला ने बताया था। मोमना ये सब सुनने के बाद वापस आ जाती है, पर अगले दिन मोमना मोमिन को लेकर मास्टर इब्राहिम के घर जाती है। वहाँ जाकर मास्टर इब्राहिम के घर पर लगे ताले से उनको ये पता लगता है कि मास्टर इब्राहिम का आज सुबह ही नमाज जनाजा हुआ है। रात उनको हार्ट अटैक हॉस्पिटल हुआ था और उनकी डेथ हो चुकी है। जी हाँ, ये सब उन दोनों के लिए बहुत ही शॉकिंग था। पर इसी ही अस्ना में एक शख्स उनको अमानत जो कि मास्टर इब्राहिम ने मोमना तक पहुंचाने के लिए उनको दी थी, वो उसके सपुर्द कर देता है। जी हाँ, वो एक चाबी है जिसको वो दोनों लेकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस घर के अंदर मास्टर इब्राहिम की लगाई हुई बहुत सी तस्वीर जो कि हुस्न जहाँ की हैं आवेज़ा हैं। ये सब देखने के बाद कल्ब मोमिन को लगता है कि यही वो तस्वीर हैं जिनकी वजह से उसके वालिदैन की आपस में जुदाई या अलहदगी हो चुकी थी। ये सब देखने के बाद वो वापस आते हैं और कहते हैं, अलीफ दरअसल कल्ब मोमिन की कहानी नहीं बल्कि हुस्न जहाँ की कहानी है। मोमिना से रहा नहीं जाता और वो कहती है, अलीफ दरअसल कल्ब मोमिन नहीं बल्कि हुस्न जहाँ से हुस्ना तक के सफ़र की कहानी है। कुछ ही अरसे के बाद ये फिल्म रिलीज़ हो जाती है और हमेशा की तरह कामयाबी कल्ब मोमिन के ही नाम आती है। लोग ये फिल्म देखने के बाद बहुत आपदीदा हो जाते हैं और हमेशा की तरह कल्ब मोमिन को बहुत ही पज़ीराई मिलती है। इस फिल्म के बाद कल्ब मोमिन ये फैसला करता है कि वो शोबिज़ को तर्क कर देगा और वापस तुर्की चला जाएगा पाकिस्तान को छोड़कर। मोमिना के पास आता है मोमिन और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो तुर्की, जिस पर मोमिना कहती है, नहीं अभी मैं नहीं जा सकती, मेरा अभी बहुत सफ़र बाकी है, मुझे बहुत चलना है। ये सब सुनने के बाद मोमिन मोमिना से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर वो वापस तुर्की चला जाता है। वहाँ जाकर कैलीग्राफी का काम स्टार्ट करता है और वो तस्वीर जो कि अभी नामुकम्मल थी, जिस पर तहा का नाम लिखा जाना था, मुकम्मल होने के बाद कल्ब मोमिन का नाम लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यूज़ पसंद आए हैं तो हमारी वीडियो और हमारे चैनल स्पाइडर न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।